जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन नुरगाइज। आज हम बात करेंगे स्पेशली कैसो सिटी एक्स 9000 या फिर 8000 इन यूजर्स के लिए। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन कीबोर्ड को खरीदा है और सबसे ज़्यादा कमेंट और कॉल भी हमें मिलते हैं इस कीबोर्ड से रिलेटेड। सो गाइज, इनमें से जो नए लोगों के साथ जो भी दिक्कत आ रही है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेन आपको दिक्कतें बता दूंगा, बाकी अगर आप पहले से यूज़ करते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप नया यूज़ कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है कि आपके साथ भी वाली प्रॉब्लम आ रही हो। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने ये वाला कीबोर्ड नया लिया है, उन्होंने हमारी वीडियो देखे, काफ़ी सारी सेटिंग करी होगी, लेकिन फिर भी जो एक दिक्कत है वो मेन मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनकी जो टोन है ऑफ करने के बाद चेंज हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी स्केल चेंज हो जाती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनका रिदम टिकता नहीं है, कभी चेंज हो जाता है एकदम से। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। या फिर जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें टोन सेव करना ही नहीं आता, एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे जाएं या दूसरे बैंक की टोन किसी और बैंक में कैसे लेके जाएं। तो आज कुछ ऐसी बातें हम आपके सामने दिखाएंगे। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी बीच में कहीं आ जाए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर आपने हमारी वीडियो देख के सेटिंग कर ली होगी तब तो अच्छी बात है, लेकिन उस सेटिंग के बाद भी क्या करना है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार सेटिंग कर लीजिए। सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कीबोर्ड नया लिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर देखिए फंक्शन का वर्णन दिए गए हैं, फंक्शन को एक बार प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर टच दिखेगा, तो आप एक नंबर प्रेस करके यहाँ से आपने यहाँ सर इस वाले फंक्शन में आना है। जैसे आप यहाँ पहुँचते हो, एक नंबर प्रेस करके आते हैं, देखिए यहाँ से एक नंबर से जैसे आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपने छः नंबर को यहाँ से प्रेस करना है, तो आप एंटर हो जाओगे। फिर से आपने एंटर करना है। अभी आप इन सेटिंग को मिला लीजिए। सबसे पहले आएगी रिदम, अगर आपका ऑफ आ रहा है तो आप यहाँ से इसका यूज़ करके देखिए, इसका यूज़ करें तो हमारा जैसे रिदम ऑन है। तो अब आपने क्या करना है, तीन नंबर प्रेस करना है। यहाँ पर आता है टेम्पो, टेम्पो भी आपने ऑन करना है, ऑन फिर से यहाँ से करना है। फिर से तीन नंबर प्रेस करेंगे, टोन आएगा, ऑफ रखना है। तीन नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है स्प्लिट, ऑफ रखना है। तीन नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है AHR सेटिंग, इसको भी आपने ऑफ रखनी है। फिर से तीन नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए मेन चीज़ ये है ट्रांसपोर्ट। ट्रांस से क्या होता है कि हमारी जो स्केल है वो अगर आप एक नंबर से दो नंबर में जाओगे तो स्केल चेंज होता है, तो आपने इसको ऑन करना है। बाकी सेटिंग आपको दिखाता हूँ। फिर स्केल हमारे यहाँ पर ऑफ है, टच फिर से ऑन है, इफेक्ट हमने ऑफ रखे हैं फिलहाल, पार्ट ऑन हमारा ऑफ रहेगा, फ्रेज पैड भी ऑफ है, कंट्रोलर भी हमारा ऑफ है। बाकी सेटिंग आपने क्या करना है, चार नंबर से एग्जिट करना है। ये जो आपकी सेटिंग है ये परमानेंट हो चुकी है। अब आप कीबोर्ड ऑफ कर दोगे तब भी आपकी ये वाली सेटिंग चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ से आती है कि हमने जो सेटिंग करी वो किस चीज़ की करी, वो थी हमारी फ्रीज बटन की सेटिंग। इससे क्या होगा कि अगर आप उस सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फ्रीज बटन दिए गए जिसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए हर बार का रहेगा कि जैसे आप कीबोर्ड ऑन करते हो आप फ्रीज बटन को। सो गाइज, फ्रीज बटन को ऑन करते ही आपकी जो यहाँ पर रेड लाइट है वो जल जाती है। इससे क्या होगा कि जो आपने अभी सेटिंग करी कीबोर्ड की वो अप्लाई हो चुकी है। अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो जो भी आपने सेटिंग करी वो अप्लाई नहीं हुई, लेकिन इसको ऑन करने के बाद अब आपकी जो सेटिंग है अप्लाई हो चुकी है। अब वो कहाँ कहाँ अप्लाई हुई है, सबसे पहले उसमें आती है स्केल। स्केल हमने वहाँ पर देखी थी, ऑन करी थी, तो स्केल में क्या फ़र्क पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए अब काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं गाइज, हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा गाना है जो मुझे सेम स्केल में प्ले करना है लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा आसान लगती है, हो सकता है उसकी स्केल यहाँ से हो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्केल को चेंज कर देते हैं। स्केल का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप सुन, अभी मैं पाँच नंबर की स्केल ले रहा हूँ, अभी मेरी जितनी भी मैंने टोन प्ले करी वो सभी पाँच नंबर की स्केल में प्ले हुई हैं। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, देखें यहाँ से आपकी स्केल डाउन या हाई जाती है। तो अगर आपने फ्रीज बटन को ऑन किया है तो आपकी जो स्केलें चेंज नहीं होती, लेकिन फ्रीज बटन को अगर हम ऑफ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने स्केल को फिर से पाँच नंबर में किया, अभी मेरा फ्रीज बटन ऑन ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ पर तो मेरा ठीक है पाँच नंबर का स्केल है, लेकिन जैसे मैं पाँच नंबर में जाऊँगा तो मेरा स्केल चेंज हो जाएगा। ये देखिए स्केल ही चेंज हो गया क्योंकि मेरा स्केल यहाँ पर अब जीरो में आ चुका है। तो इस तरीके के जो स्केल का सिस्टम है वो भी फ्रीज बटन से अप्लाई हो जाएगा। आप फ्रीज बटन को ऑन कीजिए, सेटिंग करने के बाद आप कोई भी स्केल चेंज यहाँ से यूज़ करिए, आपका स्केल चेंज नहीं होगा। ये देखिए
पहली दिक्कत लोगों को यही आ रही थी कि स्केल चेंज हो जाता है। सेकंड आती है टेम्पो के साथ हमारे रिदम। रिदम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई रिदम प्ले हो रही है, ये देखिए, अब यहाँ पर हमारी जो रिदम चेंज प्ले हो रही है, अगर मैं यहाँ से देखिए स्केल तो हमारा लॉक हो चुका है लेकिन रिदम भी लॉक है। जो भी हमने यहाँ पर रिदम को सेव किया है वो सारी एक ही प्ले हो रही है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो रही है। लेकिन मैं फिर उनको ऑफ कर देता हूँ तो इसके बाद आपको देखिए रिदम पहले तो सेम प्ले होगी लेकिन जैसे आप चेंज करोगे तो रिदम में आपका चेंज हो जाएगा। आपको देखना गाइज, देखना अभी मैं फिर उनको ऑफ कर दिया हूँ, ये देखिए रिदम भी चेंज हो गया। तो ये काम भी फ्रीजमेंट हमारा करता है रिदम के साथ टेम्पो का। आपका टेम्पो भी चेंज नहीं होगा, आपका रिदम भी चेंज होगा इसको ऑन करने के बाद। अब थर्ड नंबर हमारा क्या रहता है कि जैसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे जाएं, तो देखिए यहाँ पर आपको बैंक नंबर मिलता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 बैंक मिलते हैं। हर बैंक का क्या सिस्टम है कि जैसे आपने कोई टोन एडिट की, अगर आपने लेयर टोन एडिट की हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर बैंक में एक नंबर में सेव कर लिया। अब सेव करने के लिए क्या करना होगा, काफ़ी लोगों को सेव करना नहीं आ रहा था, तो सेव करने के लिए आपको स्टोर प्लस एक नंबर प्रेस करना है। कैसे करना है कि जैसे एक मिनट, अभी मेरा बैंक भरा हुआ लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई टोन बनाया जिसमें मैंने लेयर भी किया साथ में यहाँ पर टोन डबल टोन बना लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपने पहले यहाँ पर कोई टोन सेव तो नहीं की है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट एकदम से टोन मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं, जैसे मान लीजिए आपको हारमोनियम पसंद है, संतूर पसंद है, तो आपको आप यहाँ पर शॉर्टकट में उसको यूज कर सकते हो। कैसे करना है, आपको पहले तो टोन लेनी है जो भी आपने ली हुई है, उसके बाद आपने क्या करना है स्टोर बटन को और यहाँ पर एक नंबर को एक साथ प्रेस करना है तो आपकी एक नंबर में। सो गाइज आपने क्या करना है कि स्टोर बटन को और एक नंबर को एक साथ प्रेस करना है। पहले स्टोर को प्रेस किया फिर उसको दबाए रखना है और साथ में एक नंबर को भी दबाना है। इससे क्या होगा कि जो आपका टोन है एक नंबर में सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दो नंबर में करिए, इसी प्रकार से आप किसी और टोन को तीन नंबर में करिए, चार नंबर में करिए, 5, 6, 7, 8। जैसे आपने देख लिया कि यहाँ पर बैंक लिखा होता है, देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर बैंक लिखा होता है बैंक एक, यहाँ पर लिखा होता है बैंक एक। तो जैसे आपका बैंक एक अगर आपने पूरा 8 की टोन यहाँ पर सेव कर ली, उसके बाद आप बैंक नंबर प्रेस 2 कीजिए तो यहाँ पर लिखा है 2 नंबर बैंक, यहाँ पर लिखा है बैंक 2। अब आप फिर से 8 टोन को यहाँ पर अलग अलग सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए सेम चीज़ स्टोर प्लस एक, फिर स्टोर कोई और टोन ली, फिर स्टोर प्लस 2 किया, कोई और टोन ली 3 किया, 4 किया। ध्यान रखना है कि स्टोर को पहले दबाना है साथ में बटन दबाना है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, 4। इस तरीके से 8-8 टोन आप हर बैंक में सेव कर सकते हो, यानी आपके पास 16 बैंक है, 16 × 8 इतनी टोन आप इस बैंक के अंदर सेव कर सकते हो। जब भी आपको जिस भी बैंक की टोन चलानी हो तो आप यहाँ से बैंक की यूज़ कीजिए। अगर आपको फास्ट जाना है तो आप यहाँ का यूज़ करिए, अगर आपको स्लो जाना है तो इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हो, आगे करने के लिए यहाँ पर, पीछे करने के लिए इसको पीछे। जैसे 7 नंबर यूज़ करना है, मुझे 13 नंबर बैंक यूज़ करना है तो मैं 13 या 14 नंबर में जाऊँगा। हर बैंक में टोन सेव करी होगी अपने हिसाब से, आप 8 टोन यूज़ करते हो, किसी भी गाने के हिसाब से बैंक बनाइए और टोन वहाँ पर सेव कीजिए, तो ये आपका सेव का सिस्टम रहेगा। और साथ में जो लोग कहते हैं कि टोन एडिट करने के बाद सेव नहीं होती, तो गाइज जब भी आप टोन एडिट करते हो, लेयर करते हो या स्प्लिट करते हो, तो इसी तरीके से आपने किसी न किसी बैंक में उस टोन को सेव करना है, वरना आपका लेयर और स्प्लिट कोई भी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपने सेव ही नहीं किया तो टोन बनेगा कैसे, तो सेव जरूर करना है। ये ध्यान रखना है कि जब ये टोन एडिट करें उसको किसी न किसी बैंक में सेव करें, और साथ में यहाँ पर नंबर जरूर याद रखें। यहाँ पर लिखा रहता है जैसे मेरा 14 नंबर बैंक है, बीट 2 है, बीट 3 है, यहाँ पर आपको बैंक और टोन सो हो जाती है। तो जब भी आप टोन यहाँ पर स्टोर करते हो तो आपने ये नंबर याद रखना है कि 14 नंबर का 4 नंबर बैंक, यानी अगर मुझे इस टोन को लेना है तो मुझे 14 नंबर के बैंक में जाना होगा। यहाँ से 14 नंबर बैंक में गया और 4 टोन में चला गया तो मेरा ये देखिए सेम टोन आ जाता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, बाकी की सेटिंग तो आप लोगों को पता लग ही जाती है। साथ ही में कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी जो टोन की साउंड है कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है,
अब कैसे हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं टोन ले लेता हूँ यहाँ से। अभी पियानो है, अभी मेरा नॉर्मल पियानो बज रहा है। अब इसमें एक चीज और आती है, देखिए, या फिर हारमोनियम ले रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपका टच अगर आप ऑन ऑफ कर देते हो तो होता है क्या कि जितना आप जोर लगाओगे उतना की साउंड करेगी। ये टच का यहाँ पर आपको डायरेक्ट बटन मिलता है, तो आप इसका ध्यान रखना कि जब भी आप टोन प्ले करो, यहाँ पर टच लिखा है, टच के सामने एक बिंदी लगी हुई, इसका मतलब कि आपका टच ऑन है। अगर मैं ऐसे ऑफ कर देता हूँ, ये बिंदी यहाँ से हट जाती है। इसी प्रकार से आपकी लोअर लेयर या कोई भी टोन है तो आप यहाँ पर शो करती है कि क्या हो रहा है। तो टच हमने ऑन कर दिया, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कभी आपका साउंड ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा। अब वो ज़्यादा कम किस प्रकार से होता है कि जितना आप जोर लगाओगे उतना साउंड, जैसे देखिए, बिल्कुल कम करोगे तो साउंड कम है, जोर से करोगे तो जोर से साउंड आता है। भाई का एक किसी का कमेंट था कि उनकी कीज का साउंड है, एक में ज़्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, तो उनका ये चीज़ प्रॉब्लम रहेगी कि टच ऑन रखा होगा। आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसी प्रकार से पियानो में काम करता है, आप ऑफ कर दोगे तो आपका जो साउंड है सेम कीज से बराबर आएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है पोर्टमेंटो का बटन। इससे क्या होता है कि जैसे आप मुरली प्ले करो तो उनमें एक जोड़ बनता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, तो इनमें एक इफेक्ट पड़ता है अगर आप इसको एडिट करते हो तो। पोर्टमेंटो जैसे बेंजो में एक लेगेटो टाइप ये थोड़ा सा काम करता है। बाकी यहाँ पर आपको रिदम का जो फास्ट या स्लो करने का जो सिस्टम है वो मिलता है कि अगर आप रिदम फास्ट करना चाहते हो तो फास्ट यहाँ से प्ले कीजिए, स्लो रिदम प्ले करना चाहते हो तो स्लो कीजिए। बाकी ये एडिटिंग के फंक्शन है, यहाँ पर आपका स्केल का फंक्शन है, यहाँ पर आपके कीबोर्ड का फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर मिक्सर है जो जैसे आप कोई टोन एडिट करते हो तो उसको आप किस प्रकार से उसका साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको शॉर्टकट, वैसे तो आप टोन को यहाँ से चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन अगर आपने यहाँ पर सेव करी होगी तो ये आपका काम कुछ एडिटिंग के रूप में कर लेता है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट कैटेगरी मिलती है, अगर आप टोन्स 1B यहाँ पर दिए है, इसको प्रेस कीजिए तो एक नंबर का टोन यूज़ होगा, जैसे पियानो, ऑर्गन या गिटार। इसको प्रेस करने के बाद आपका बी नंबर टोन जो ई पियानो है, एकॉर्डियन, बास या ब्रेस, तो इस प्रकार की आपकी रिदम की शॉर्टकट कैटेगरी है। यहाँ पर भी आपको कैटेगरी का फिर से बटन मिलता है, यहाँ पर आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो। अगर आप पेन ड्राइव में कोई सॉन्ग यूज़ करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कारों के ट्रैक पड़ा हो उसके ऊपर आप प्ले करना चाहते हो, तो आप पेन ड्राइव में उसका वेव फाइल बना के डालिए, डायरेक्ट कीबोर्ड मिलाइए, यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पर आता है डायरेक्ट आपका टोन चल पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार की मोटी मोटी सेटिंग है गाइस जो आप कर सकते हो बाद में, लेकिन उससे पहले आप टोन एडिटिंग करने के बाद जरूर सेव करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपके जानने पर अगर मैंने कोई सेटिंग ना बताई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।